अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वो लोग जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो लोग जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। आज मुझे टाइम मिला हुआ था, संडे था, तो मैंने दो वीडियोस बना ली। एक हाइलुरोनिक एसिड पे जो अभी इंशाल्लाह आप लोगों ने देख ली होगी, और दूसरी वीडियो मैंने सोचा मैं अभी बना लूँ, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा। आज की जो वीडियो है वो है जनाब कि मैंने बकरा ईद के लिए, ईद उल अज़हा के लिए मैंने क्या शॉपिंग की। क्योंकि होता ही है कि छोटी ईद के लिए बड़ी यू नो वो जोश व खरोश के साथ आप शॉपिंग करते हैं, लेकिन बड़ी ईद जब आती है तो इतनी नहीं होती है। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू बाय द वे, क्यों, क्योंकि आपका सारा दिन, स्पेशली लड़कियों का सारा दिन किचन में और सुबह गोश्त में और उसमें गुजर जाता है। तो मैं तो मोस्टली क्या होता है, ईद के पहले दिन मैं तैयार भी नहीं होती, सच्ची बताऊँ आपको। बस सुबह उठ के शॉवर लिया और बाल शाल बांधे और किचन में लग गए जनाब करने। अगर शाम के टाइम किसी के घर जाना हो या कोई हमारे घर आ रहा है तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ थोड़ा सा, बट अदर देन दैट ईद ऐसी गुजर जाती है। लेकिन लड़की हो और उसको शॉपिंग का शौक भी हो और इसके अलावा ईद भी आ रही हो और वो फिर भी परचेज ना करे, तो ये हो तो नहीं सकता। मैंने है ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, मैंने जस्ट एक ड्रेस परचेज किया है और थोड़ी सी ज्वेलरी काफ़ी अर्से के बाद मैंने परचेज़ की। एक परफ्यूम मैंने परचेज़ किया है, तो एक शूज़ है मेरे पास, लेकिन वो पहले मेरे पास पड़े हुए थे ऑलरेडी, न्यू ही है ऑलमोस्ट, मैं वही पहनूंगी, तो वो मैं वही पहन लूंगी, काम चल जाएगा। अच्छा जी, जो ड्रेस है ये है जनाब मेरा शनायर का ड्रेस है, राइट, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ लोगों ने देखा होगा इसका शायद पहले। ये बहुत प्यारा, आजकल ना मुझे वो कलर क्रेज होता है, समटाइम्स मुझे ब्लैक कलर के ड्रेसेस का बहुत क्रेज चढ़ा होता है कि जी ब्लैक ब्लैक ब्लैक, हर ड्रेस मेरा ब्लैक होता है। फिर मुझे वाइट का क्रेज था, वाइट वाइट वाइट, हर कलर मेरा ड्रेस का जो था वाइट था। आजकल मुझे मस्टर्ड येलो ये कलर बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये इसकी कुछ स्लीव्स हैं, स्लीव्स के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और ये सारा इसकी लेसेस है। और ये है जनाब ड्रेस, मैं आपको दिखा दूँ, ये इसके आगे ऐसे शीशे वाला काम हुआ हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। और सिंपल जैसे शर्ट होती है बिल्कुल वैसी ये शर्ट बनी हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। दिखाने का तरीका मेरा अजीब नहीं है थोड़ा, बट है कोई नहीं, अपने ही है। अच्छा जी, ये नीचे लेस लगी हुई है, आप लोगों को नज़र आ गई लेस, ये नीचे लेस लगी हुई है, सिंपल शर्ट है। और ये ड्रेस है उनकी, मेरा ख्याल न्यू कलेक्शन थी, पेल फ्लोरा येलो, थ्री पीस सूट है ये, इसकी प्राइस है 12,500, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है इसके साथ सिंपल कैप्री ट्राउजर, ठीक है, ये कैप्री ट्राउजर है इसके साथ। म्यूजिक की शायद आवाज आ रही हो आपको बैकग्राउंड में, मेरे हस्बैंड ने बाहर म्यूजिक लगाया हुआ। और ये इसके साथ सिंपल इसका शिफोन का दुपट्टा है और ये नीचे दोनों पर्ल्स लगाए हुए हैं, सिंपल, इतना सिंपल, एक सूट काफ़ी है भाई। मैं तो वो भी नहीं लेती थी, ये तो मेरे अब्बाजान ने हैर मुझे ईदी दी, बड़ी ईद छोटी ईद जैसे आती है तो वो ईदी मिल जाती है, तो फिर मैंने सोचा कि परचेज़ कर लेते हैं इससे पहले के पैसे लग जाएँ, तो परचेज़ कर लिया जाए। अच्छा, फिर अपने पैसों से जो मैंने परचेज की, क्योंकि मेरी जितनी भी सैलरी आती है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टार्ट के कुछ मंथ्स थे जिसमें मैंने थोड़ी सी सेविंग की किसी पर्पज़ के लिए, लेकिन उसके बाद अभी जो जितनी मेरी सेविंग आती है, अभी मेरी जितनी मेरी सैलरी आती है ना, वो मेरे इन चोचलों पे गुजर जाती है। उसकी रीज़न ये है कि मैं अगर चीज़ें परचेज नहीं करूँगी तो मैं वीडियोज़ कैसे बनाऊँगी। मैंने चीज़ें परचेज करनी है, चीज़ें परचेज करने के बाद उनको एक्सपेरिमेंट करना है, फिर अपने ऊपर यूज़ करना है, फिर आप लोगों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो जनाब इसलिए चीज़ें परचेज करनी पड़ती हैं। ये मैंने लिए थे इस तरह से एक सेट है, बहुत प्यारे इसके ना ये टॉप से बने हुए हैं, और इसके साथ ना एक ये छोटी सी चेन भी है, बहुत प्रिटी सी है ये देखिए, ठीक है। जो टॉप्स का डिज़ाइन है बिल्कुल वही डिज़ाइन है, इसको ना गिरा लगी हुई है, अभी मेरी गिरा खुल नहीं रही है, अदरवाइज ये पहनी हुई ना मैं खोल के ना फिर पहनना चाह रही थी, बट मैंने कहा ईद पे पहनूंगी मैं, ये कुछ इस तरह से लगेगी, यहाँ पे आएगी, वाह बहुत प्यारी लगेगी ये वाली उतार दूंगी ना मैं तो ये वाली पहनूंगी, कितना सिंपल एंड डिसेंट और बहुत प्यारा लगता है। मुझे ना इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, आई मीन सिंपल सिंपल, और उसमें ना ज़्यादा आप एलिगेंट लगते हो। मैं सोच रही थी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर कि आप लोग किस तरह से अपने कपड़ों को, अपनी चीज़ों को स्टाइल करो कि आप ज़्यादा एलिगेंट एंड डिसेंट लगो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैंने कुछ ये इस तरह से टॉप्स लिए हैं, ठीक है, ये इसकी बैक साइड पर ऐसे, एक साइड इसकी ये है, मैं रखूँगी ये पीछे बड़ी वाली साइड और ये छोटी वाली साइड आगे।
अच्छा उसके बाद मैंने जो परचेज़ किया है ना, मैंने परचेज़ किया है ये परफ्यूम। अगर आप लोगों को मेरी जे डॉट की जो मैंने एक वीडियो बनाई थी न्यूली लॉन्च्ड परफ्यूम्स की, तो मैंने आपको बताया था कि क्लासिक परफ्यूम बाय ये है क्लासिक परफ्यूम अदनान सिद्दीकी कलेक्शन, और ये मैंने फिर आखिरकार मंगवा ही ली। मैंने आपको बताया था कि मैंने ऑर्डर करना है, तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग थी। ये कुछ इस तरह से इसकी पैकिंग है, ठीक है, और ये आप देख सकते हो, वाओ। अच्छा ये ना थोड़ी सी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, थोड़ी सी मुझे उस टाइम पे ना ऐसा लगा था जैसे ये बहुत प्यारी और बड़ी इस तरह सी है, लेकिन अभी मुझे फील हो रहा है कि यार ये ना थोड़ी सी स्ट्रांग है। पता नहीं, मुझे पहले फील नहीं हुआ, लेकिन जब भी आई है ना तो मुझे ऐसे लगा कि बहुत ये स्ट्रांग है, और थोड़ी सी मुझे ऐसी खुशबू आ रही थी इतर टाइप, बट इतर टाइप है नहीं, इतर बहुत गंदी गंदी सी होती है, लेकिन ये इतर टाइप है भी तो थोड़ी सी अच्छी है, बट मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने उनको कॉल की कि भाई मैंने ऑनलाइन मंगवाई है तो आप प्लीज़ रिटर्न कर लें, तो वो कहते हैं कि जी हमारी पॉलिसी में नहीं है तो हम रिटर्न नहीं कर सकते। इसके साथ मैं फिर पहन लूँगी, या तो देखूँगी कोई खुस्सा वगैरह पहन लूँगी डल गोल्ड कलर का, अदरवाइज़ जो मेरी वो हील्स हैं जो मैं आपको कह रही हूँ ना, वो है मैरून कलर के। मैरून कलर भी इसके साथ बड़ा अच्छा लगेगा अगर पहना हुआ हो ना, मैरून हल्की सी लिपस्टिक आपने लगाई हुई हो, थोड़ा सा कलर इस तरह का है, इसके साथ आप मैरून कलर की लिपस्टिक भी लगाओगे ना तो वो बहुत उठा उठा सा लगेगा, और साथ मैरून कलर की अगर आपने शूज़ पहने हुए हो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो ये ड्रेस है जनाब, और जनाबे वाला साथ इसके मैं पहनूंगी मैरून शूज। आप लोगों की कोई सजेशंस हैं कि इसके साथ मैं कौन से कलर का शूज़ पहनूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अपनी शॉपिंग मुझे लाजमी शेयर करें, क्योंकि शॉपिंग देखने का और दिखाने का ना बहुत मज़ा आता है। आप लोगों ने क्या कुछ परचेज किया मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।